दोस्तों, हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 और BS4 में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इसमें कौन से पार्ट नए लगाए गए हैं, क्या फीचर्स हैं, इनकी प्राइस और माइलेज में कितना अंतर है, पूरी बाइक में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को। इस चैनल पर आपको बाइक और स्कूटर संबंधित कंपेयर की वीडियो मिलती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग जान सकें कि इन बाइकों में क्या अंतर दिया गया है हीरो कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूं, ये BS6 बाइक है और ये BS4 बाइक है। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो इसकी हेडलाइट में ही आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि हेडलाइट वाइजर इसमें नए लगाए गए हैं, बिल्कुल चेंज हैं। क्योंकि आप यहां पर देखेंगे ये क्रोम कलर की पट्टी दी गई है, साथ में हीरो इस पे 3D में लिखा हुआ है, यहां पर हीरो स्टीकर से लिखा हुआ है और ये सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई है। तो आगे से वाइजर और ये हेडलाइट सारी चीजें चेंज हैं। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर इसमें स्टैंडर्ड वाले वही पुराने मॉडल मिलते हैं, इसमें आपको नए इंडिकेटर मिलते हैं, साथ में फ्लेक्सिबल भी दिए गए हैं और मडगार्ड में भी कुछ अंतर दिया गया है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं दोनों को। अब इससे बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देखेंगे तो ये यहां पर सस्पेंशन के पास आपको रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है BS4 में, BS6 में रिफ्लेक्टर मिलता है। इसकी रिम को आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से बनाई गई है, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, 2/75/18 के इसमें टायर है, जबकि आप यहां पर देख सकते हैं 80/18 का टायर दिया गया है। इसकी एलॉय व्हील को चेंज किया गया है, इसमें ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहे हैं। तो ये बड़े बदलाव इसमें आगे से किए गए हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूंगा, तो साइड से आपको पेट्रोल टैंक भले ही एक लग रहा होगा दोनों बाइकों का, लेकिन इसमें जैसे कि साइड पैनल, सीट काउल, ग्रैब रेल, ये सारी चीजें इसमें साइड से अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें चेंज हैं, यहां तक कि सीट काउल और साइलेंसर भी चेंज है दोस्तों। इसका साइलेंसर काफी बड़ा मोटा सा बनाया गया है, कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर है, ये सारी चीजें अगर आप साइड से देखेंगे तो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। अब मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा, तो यहां पर आप देखेंगे सुपर स्प्लेंडर, यहां पर आप पैनल को देख सकते हैं, यहां पर आप सीट काउल को देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो पैनल इसका इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, सीट काउल, ग्रैब रेल, ये सारी चीजें ऐसे लगाई गई हैं। और यहां पर आपको यूटिलिटी बॉक्स मिलता था जिसमें आप सामान रख सकते थे, लेकिन इसमें यूटिलिटी बॉक्स को हटाया गया है, यहां पर प्रोग्रामेड FI लिखा है, क्योंकि अब ये फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। तो ये बदलाव इसमें यहां से दिख रहा है। साथ में अगर आप सीट देखेंगे तो सीट इसकी काफी चौड़ी बनाई गई है उसके मुकाबले, तो ये इसमें बदलाव है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे का अलॉय व्हील भी चेंज है, टायर चेंज है, देखेंगे अगर आप यहां पर तो इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस, और ये 90/90/18 का इसमें आपको टायर मिल रहा है। सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो थोड़े से चेंज ही लगेंगे आपको, पीछे से आप देख सकते हैं सस्पेंशन के साथ साथ साइलेंसर भी चेंज है, दूर से दोनों को देख सकते हैं। साथ में बैकलाइट का डिजाइन चेंज किया गया है, मडगार्ड चेंज किया गया है, इंडिकेटर चेंज किया गया है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो ये H शेप में इसकी बैकलाइट है, यहां पर आप देखेंगे तो इसका डिजाइन अलग बनाया गया है, इसका मडगार्ड देखेंगे तो अलग है और यहां पर देखेंगे तो थोड़ा सा अलग बनाया गया है। इसकी चेन कवर फाइबर की आपको मिल रही है, इधर आपको मेटल की चेन कवर मिल रही है। और अब आप इधर से अंतर देख सकते हैं, यहां पर टैंक के नीचे आपको यूटिलिटी बॉक्स मिलता था, साइड पैनल कुछ इस प्रकार से हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो इसका इंजन अलग चेंज हो चुका है और इसके भी डिजाइन को चेंज किया गया है दोस्तों। तो ये अंतर है दोनों बाइकों में। और इसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजन चेंज है, साथ में इसकी चेसी को चेंज कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे दोनों की चेसी में अंतर है और इनके स्टैंड में भी अंतर है, इनके जो लेग गार्ड लगेगा उसमें भी अंतर दिया गया है। तो दोनों इस बाइक के मुकाबले उसमें आपको ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा माइलेज मिलेगी। और अगर अंतर की बात की जाए तो लगभग 5-7 हजार रुपए का इनमें अंतर रहेगा। मैं अभी कन्फर्म प्राइस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बाद में प्राइस इस पे लिख के दे दूंगा जो कि आप लोगों को पता चल जाएगी। तो इसमें बिल्कुल नया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं शॉर्टकट में, पहले मैं मीटर दिखा दूं आपको, यहां पर आप देखेंगे इसका मीटर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका मीटर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है दोस्तों। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बाइक के मुकाबले इस बाइक में आपको सब कुछ नया मिलेगा, बिल्कुल बाइक बदल चुकी है। इसमें सीट खोलने का आपको पेंच से खोलना पड़ता था, बोल्ट खोलना पड़ता था, उसमें आपको लॉक से खोलने को मिलेगा। तो ये जो बदलाव हैं ये काफी अच्छे किए गए हैं, ये बाइक काफी बेहतर हो गई है, साथ में BS6 हो गई है, इससे ज्यादा माइलेज इसमें मिलेगी। उसमें आपको 5 गियर मिलते हैं, इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं, तो कम्प्लीट बाइक चेंज हो चुकी है, इससे ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तो अब आप लोग बताएं कि देखने में आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है, BS6 या फिर BS4। आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।